गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम एक नए एक टूल के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो है हमारा डैक्स स्टूडियो। से आपको पता होगा, जब हम पावर बीआई में वर्क करते हैं तो जो हम डैक्स फंक्शन लगाते हैं उसमें हम टेबल फंक्शंस जो है उन पर ठीक से वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पावर बीआई में स्केलर फंक्शन ही डिस्प्ले हो पाते हैं। टेबल फंक्शन हम किसी फंक्शन के इनर में यूज कर सकते हैं, मतलब इनपुट में यूज कर सकते हैं, आउटपुट में हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे हमारे पास यहाँ एक न्यू टेबल का फंक्शन ऑप्शन है, यहाँ पर हम इस जगह हम इस टेबल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम कोई भी टेबल फंक्शन लिखेंगे तो वो इस डिस्प्ले एरिया में आ जाएगा। राइट, लेकिन फंक्शंस को चेक करने के लिए, उनकी स्पीड चेक करने के लिए और भी बहुत कुछ चेक करने के लिए हम डैक्स स्टूडियो का यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है, जितने भी डैक्स यूजर्स हैं उन सभी को ये टूल आना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसका सेटअप कैसे करना है वो हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कि इस पर हम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैंने एक पावर बीआई की फाइल ओपन की हुई है, इसके अंदर काफी सारे हमारे टूल्स हैं, जैसे टेबल्स हैं, सॉरी, इसमें हमारी कस्टमर टेबल है, सेल्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, स्टोर, एक डेट टेबल बनाई हुई है कैलेंडर की, और एक सब कैटेगरी और कैटेगरी टेबल। राइट, तो अब हम क्या करेंगे कि हम डैक्स स्टूडियो ओपन करेंगे। ये मेरा डैक्स स्टूडियो है, इसका पहले इंटरफेस समझते हैं। इसमें जो हमारा ये जो पार्ट है, हमारा ये जो पूरा पार्ट है हमारा, ये ग्रीन एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कनेक्टेड मॉडल्स शो करते हैं। और इस पार्ट में हमारा आउटपुट शो करता है, और जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, यहाँ हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेरी एरिया है, ये हमारा आउटपुट एरिया है, और यहाँ हमारे मॉडल शो करेगा। ठीक है, तो अब एक फाइल को हम कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस कनेक्ट बटन पर क्लिक करता हूं, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है कनेक्ट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा हमें कि हम उसे SQL सर्वर कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पावर बीआई की फाइल या पावर पिवट। यहाँ पर पावर पिवट हमारा कोई ओपन नहीं है करंटली, तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हम पीवीआई फाइल कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर जो है फाइल जो हमारी पावर बीआई की फाइल है वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी फाइल ओपन है, ये जो फाइल ओपन है वो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। क्लिक करने के बाद हम इसे करते हैं कनेक्ट। देखिए, ये हमारा मॉडल इस तरफ यहाँ डिस्प्ले हो गया है, सारा ये मॉडल जो है हमारा सारा लोड हो चुका है, जितनी भी टेबल्स हैं इसके अंदर सारी यहाँ पर आ चुकी है। ये हमारा आउटपुट एरिया है, यहाँ पर कोई भी क्वेरी हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होगी। क्लियर है, इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। होम टेबल रैब जो होम जो हमारा रिबन होता है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं जैसे आउटपुट, रन, क्लियर कैची, कट कॉपी पेस्ट जो नॉर्मली है हमारा, रिफ्रेश वगैरह, और कुछ एडवांस ऑप्शन हैं यहाँ पर जो हम धीरे धीरे सारा सीखेंगे। तो ठीक है, हम एक सबसे पहले पहली क्वेरी लिखते हैं इसके अंदर। सबसे जो हमारा जितने भी हमारी क्वेरीज होती हैं डैक्स स्टूडियो के अंदर, वो एक कीवर्ड है डैक्स का, उससे रन होती है। उसका नाम है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वो है हमारा इवेल्युएट।
क्या इवेल्युएट से रन होती है हमारी, इवेल्युएट एंड देन टेबल नी, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर सारी जो जितनी क्वेरी होती है सारी क्वेरी टेबल क्वेरी ही होनी चाहिए। यदि कोई मेजर या कोई कोई मेजर है तो उस मेजर को हम किसी टेबल फंक्शन के इनर या इनपुट फील्ड में रखेंगे, जिससे वो फील्ड हमारी डिस्प्ले हो ठीक से। ओके तो अब बंद करते हैं हम इस पर। जैसे वैल्यूएट एंड कोई भी टेबल नेम, जैसे यहाँ पर हमें कस्टमर टेबल दिखाई दे रही है, यहाँ हमें स्टोर दिखाई दे रहा है या सेल्स सब कैटेगरी प्रोडक्ट, तो कोई भी हम एक टेबल का नाम और जस्ट हमें रिफ्रेश करना है या फिर सॉरी रन करना है, ऐसे रन करेंगे वैसे ही हमारी ये सारी क्वेरी नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप इस क्वेरी को डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली इस आउटपुट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसको हम फाइल कर लेंगे। जब फाइल कर लेंगे इस ऑप्शन को और फिर उसके बाद जब रन करेंगे तो वो जो क्वेरी रन होगी वो एक फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कहाँ पर सेव करनी है मुझे, तो मैं उसको ऑप्शन डाल दूंगा तो वो सारा क्वेरी जो है वो सब इसमें सेव हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसे डाउनलोड करके, मैं नीचे में से डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है ये प्रोडक्ट टेबल हो गई, क्वेरी रन हो रही है, जाकर मैं डेस्कटॉप पर देखता हूँ तो मेरी ये टेक्स्ट फाइल के रूप में ये सारी क्वेरीज जो है सेव हो गई। ये देखिए राइट क्लियर। वापस हम आते हैं टेक्स्ट स्टूडियो पर। ठीक है और जो जो तीसरा ऑप्शन है ये हमें टाइम बताता है क्वेरी का, इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन पर जैसे रन करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये क्वेरी जो है कितने सेकंड में चली गई। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितना टाइम उसे रन करने में लगा है, 224 मिली सेकंड में बताता है। राइट क्लियर। तो यहाँ पर हम कोई भी क्वेरी हम रन करा सकते हैं। अब इन के तीनों का ऑप्शन देख लेते हैं। जो हमारा पहला है हमारा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, इसमें से जो ग्रिड ऑप्शन है ये हमारा जो डिस्प्ले देगा वो यहाँ इस तरफ देगा, इस जगह वो डिस्प्ले टेबल जो है वो यहीं आ जाएगी। ठीक है और जो हमारा ये है हमारा ये टाइमिंग बताएगा उसकी क्वेरी की टाइमिंग, और जो ये है वो करेगा उस क्वेरी को डाउनलोड। क्लियर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन। ओके अब हमने एक क्वेरी चलाई, अब हम दूसरे क्वेरी चला के देखते हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर सेल्स टेबल ओपन करता हूँ, सेल्स एंड रन करता हूँ, इसके सेकंड बताया इसने, अब इसको मैं आउटपुट को चेंज कर देता हूँ ग्रिड में, फिर F5 करता हूँ। देखिए पूरी क्वेरी आ गई इसके अंदर। अब मान लीजिए मुझे किसी इनकी क्वांटिटी का सम करना है और जो मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है, तो यदि मैं यहाँ पर कोई मेजर लिखूंगा सम ऑफ सेल्स टेबल का क्वांटिटी क्लोज, तो जैसे मैं रन करूंगा यहाँ पर आ जाएगी एक एरर आ जाएगी क्योंकि स्केलर वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर सकता। हाँ इसके लिए यदि हम इसको कन्वर्ट करके एक कोई भी टेबल फंक्शन यहाँ पर प्रूव करते हैं, मान लीजिए टेबल हो गया, मैं इसको F5 करूंगा तो ये वैल्यूज हमारी डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर जैसे मैं करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो वो एक टेबल के फॉर्म में चेंज जाता है, जैसे कि हम एक्सेल में भी देखा होता है। ठीक है तो इसके लिए हम सेम काट देते हैं।
हम इसकी जगह रॉ फंक्शन जो होता है हमारा वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, रॉ फंक्शन में सबसे पहले हम नेम लिखते हैं, कॉलम नेम, ये जो डिस्प्ले होगा वो कॉलम नेम है, सम ऑफ सेल्स का क्वांटिटी। ओके, ये हो गया रो हमारा। अब एक कॉमा लगाकर हम इसमें दूसरी रो लिख सकते हैं, जैसे एवरेज क्वांटिटी, तो यहां हम एवरेज लगा सकते हैं, एवरेज ऑफ सेल्स एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब ये पूरा क्लोज हो गया। इसको हम पूरे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर फॉर्मेट क्वेरी करेंगे तो एक अच्छी तरह से डिस्प्ले होकर के वो दिख जाएगा, लेकिन क्लियर से समझ सके। ठीक है, इसे हम करते हैं रन। देखिए तो यहाँ पर वो जो हमने रॉ टेप फंक्शन किया है हमने, तो रॉ फंक्शन से हमारी ये दोनों क्वेरी रन होकर के यहाँ डिस्प्ले कर रही है। यानी कि इन शॉर्ट में हम समझा सकते हैं कि हमारी जो डेक्स स्टूडियो है यहाँ पर सिर्फ हमारे टेबल फंक्शन ही वर्क करते हैं। यदि हमारा कोई मेजर है तो उस मेजर को हमें एक टेबल फंक्शन में रखना पड़ेगा, यानी हमें ऐसा कोई फंक्शन दिखाना है जो जो हमारा टेबल डिस्प्ले करे। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो टेबल एक कॉलम एक रो की, लेकिन वो हमारी होनी चाहिए टेबल फंक्शन। क्लियर, तो इसके लिए होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो अब आगे की क्लासेस में हम इसका और जो डैक्स स्टूडियो पर जो हमारे डैक्स फंक्शन सीखेंगे वो हम इसी पर ही वर्क करेंगे। तो इसका डैक्स स्टूडियो का एक फायदा ये है कि हमारे जो हम क्वेरी यहाँ पर यूज करते हैं हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं विदाउट चेंजेस ऑन हमारे जो हमारे एग्जिस्टिंग पावर बी आई फाइल है उसमें कुछ भी चेंज किए बिना हम सारे फंक्शंस को, सारे जो हमारी टेबल्स हैं वो सबको हम इवेल्युएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस फंक्शन से हम कैसे रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। जब हम उससे रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाए तो इस क्वेरी को सिंपली हम कॉपी करके इस पावर बी आई की फाइल के साथ अकॉर्डिंग कॉलम या मेजर हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइल नेम वगैरह जो है सेम होते हैं, यानी फाइल को चेंज किए बिना भी हम उसमें वर्क कर सकते हैं, हमारे डेटा लॉस का कुछ इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको थम्स अप देना है अगर आपको अच्छा लगता है हमारी वीडियो, ताकि ये मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं आगे की वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसमें वीडियोस आपके आते रहेंगे। यदि आपको डैक्स से पहले हमको एक पावर क्वेरी लैंग्वेज सीखनी होती है जो डेटा को इंपोर्ट करती है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है कि पावर क्वेरी की जो थीम चल रही है अभी भी। तो अभी हमने ये नई सीरीज शुरू की है जो डैक्स स्टूडियो पर वर्क करेगी। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डैक्स स्टूडियो के कौन कौन से फीचर्स हैं, फिर इसके बाद हम डैक्स पर वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू।